आने वाले समय में इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री फिर से बनेगा, ये तय करके आज इस संकल्प के साथ जाइए। और जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन संकल्प लेकर जाता है, उस दिन बड़े बड़े लोग उसके सामने खराशाही हो जाते हैं। आज विपक्ष कहीं नहीं है, विपक्ष बहुत कमजोर है। और चाणक्य की नीति भी कहती है कि जब दुश्मन कमजोर हो वार तभी करिए, और इस समय ऐसा वार करिए कि दुश्मन वापस फिर से मैदान में आने की ताकत नहीं रखे। हम महाराष्ट्र प्रदेश अगर जीतने जा रहे हैं, 288 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, और 288 सीटों पर चुनाव लड़कर फिर से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज के इस अवसर पर कार्यकारिणी की बैठक में मैं आप सबका आह्वान करती कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मंशा को हम सबको संकल्पित होकर पूरा करना है, सदस्य भी बनाना है, चुनाव भी लड़ना है, चुनाव में विजयी भी होना है। और इस संकल्प के साथ आज आप सब यहाँ से विसर्जन लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास।